नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। लॉकडाउन के दौरान श्रमिक स्पेशल ट्रेन में प्रसव पीड़ा से कराह रही एक महिला को स्थानीय जिला प्रशासन और रेलवे के कर्मचारियों के सहयोग से महिला को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया। चिकित्सकों ने जजा बच्चा को स्वस्थ बताया है। दरअसल लॉकडाउन के दौरान रेलवे द्वारा चलाया जा रहा श्रमिक स्पेशल ट्रेन लुधियाना से चलकर भागलपुर जा रही थी। इसी बीच श्रमिक स्पेशल ट्रेन में सफर कर रही एक गर्भवती महिला को शेखपुरा के सिरारी रेलवे स्टेशन पर लेबर पेन होने लगा, जिसके बाद महिला के पति कृष्णा कुमार ने इसको लेकर शेखपुरा डीएम और स्टेशन मास्टर को इसकी सूचना दिया, जिसके बाद डीएम के पहले बाद महिला को सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां महिला ने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। वही इस संबंध में उपाधीक्षक ने कहा कि जचा और बच्चा दोनों स्वस्थ है। वही दोनों को 48 घंटे चिकित्सकों की निगरानी में रखने के बाद स्वास्थ्य जाँच के बाद घर भेजा जाएगा। था तो रास्ते में ही दर्द उठने लगा, फिर हमको पहुंचना बहुत जरूरी था, लेकिन ट्रेन जो है 4-6 घंटा लेट और चली थी और वहाँ पे जाके रोक दिया, ये सिरारी, क्या नाम है, सिरारी स्टेशन। तो उसके बाद फिर हमने वहाँ पे उतर के फ़ोन किया एम्बुलेंस को, तो एम्बुलेंस फ़ोन नहीं लगा। फिर कोई श्रमिक था वहीं पर जा रहा था भागलपुर, वो सब मिल के फ़ोन किया, तो फिर फ़ोन लगा, फिर हमको यहाँ लाया गया। यहाँ पर फिर रात भर दर्द से परेशान था, परेशान होने के बाद फिर कोई नहीं चेक किया, सब डर रहे थे कोरोना होगा, कोई टेस्ट नहीं हुआ। फिर सवेरे भी दर्द से मर रही थी, कोई देखने नहीं आया। तब फिर लास्ट में फिर हम बोले हमको कहीं और भेज दीजिए, फिर या हमको भागलपुर पहुंचा दीजिए, मेरा भागलपुर, वहाँ चेकअप करवाएंगे। तो फिर लास्ट में फिर नॉर्मल डिलीवरी किया ये सब बच्चे। भागलपुर उसको जाना था, लेकिन जब लेबर पेन आया यही उतर गया। उतर जाने के बाद मेरे अस्पताल में 10 के आसपास बच्चा हुआ, सवेरे बच्ची हुई है, सब कुछ नॉर्मल है, बच्चा स्वस्थ है, माँ जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे क्या करवे की जा रही है अभी? अब तो 48 घंटा यहाँ रहेगी, जब हम लोग देख लेंगे सब चीज़ सही है तो भागलपुर के लिए